हेलो गाइस, तो बात करने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन के अपडेट्स के बारे में। फाइनली गाइस, बेबी डॉज कॉइन की एक और एक्सचेंज में लिस्टिंग होने वाली है। कौन सी एक्सचेंज है उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ बेबी डॉज कॉइन यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में बर्निंग कर रहे हैं, बर्निंग का रेट काफ़ी बढ़ चुका, प्राइस में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिनों मिला, BTC का सबसे प्राइस में रिकवरी दिनों मिल रही है। तो कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिनों मिल सकता है बेबी डॉज कॉइन में। और गाइस, वीडियो को एंड तक देखो तो आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉइन बताने वाला है जिसको ट्रेड करके आप आराम से 5 से 6% का प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में कर सकते हो। तो यार प्लीज़ चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर बताना चाहता हूं कि बेबी डॉज कॉइन का काफी ज्यादा भी हाइप है मार्केट में यहां पे बाइनेंस लिस्टिंग को लेकर के। आपको पता है गाइस, यहां पे फ्लॉकी एनुकॉइन की binance.us की लिस्टिंग होने वाली है और यहां पे बाइनेंस ने ऑलरेडी अपडेट दे दिया है। कल के दिन में गाइस 5:30 को यहाँ पे फ्लोकी एंड कॉइन binance.us में लिस्ट हो चुका है, जिससे काफी अच्छा प्राइस में वो ग्रोथ इन्होंने मिला है। तो गाइस जल्दी गाइस यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि बेबी डॉज कॉइन यहाँ पे बी राइज ये सब बाइनेंस में जल्दी आपको लिस्ट होता देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है जरूर कॉमेंट में शेयर कर बताना। साथ ही साथ बेबी डॉज कॉइन ने एक न्यू अनाउंसमेंट किया कि बिग न्यूज कमिंग। अब गाइस बिग न्यूज क्या होने वाला है, यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइस 3D NFT को लेकर के कुछ न्यूज आने वाली है बेबी डॉज कॉइन में, जिससे गाइस प्राइस में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस बेबी डॉज कॉइन की टोटल सप्लाई की बात करें तो 420 क्वाट्रिलियन है, जिसमें से गाइस ऑलमोस्ट 48% ऑफ टोटल सप्लाई का बर्न हो चुका, मतलब 204 क्वार्टरलियन बेबी डॉज कॉइन ने बर्न कर दिया है। मंथली बर्निंग की बात करें तो गाइस ऑलमोस्ट इस मंथ की जो उम्मीद लगाई जाती है ऑलमोस्ट 40 से 50 क्वार्टरलियन की बर्निंग की न्यूज लगाई जा रही है, क्योंकि गाइज यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन अपना बर्न पोर्टल से भी कम्युनिटी का जो बर्न करती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग भी 5x बर्न करते हैं। तो यहाँ पे उसे उम्मीद लगाई जा रही है कि अच्छा खासा बर्निंग आपको देखने को मिलेगा। कल से गाइज यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन ने प्राइस में 5% का रिकवरी देखने को मिला, जब से BTC का प्राइस काफ़ी अच्छा गाइज यहाँ पे परफॉर्म किया। अगर बात करें BTC की तो गाइज देख लो ऑलमोस्ट 6% का यहाँ पे BTC का प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्केट अच्छा खासा रिकवरी किया, लेकिन गाइज BTC का प्राइस में आपको अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अपने जो सपोर्ट लाइन है इसको गाइस ट्रेंड ब्रेक किए हैं, उसके बाद गाइस यहाँ पे फॉल भी आपको देखने मिलेगा। उसका कॉल मैं आपको दे दूंगा। अभी बताने वाला हूँ कि आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉइन से कॉइन है जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने ट्विटर टेलीग्राम में अपडेट दे दिया है। तो गाइस मैंने यहाँ पे आर्बिट्रम के बारे में बताया, इस लेवल पर अच्छा खासा बाई या लॉन्ग कर सकते हो। टारगेट जो रहेगी गाइस यहाँ पे आपको टारगेट देखने मिलेगी ऑलमोस्ट 1.57 की, ऑलमोस्ट 9% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट गाइज ये मेरा खुद का ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है। टेलीग्राम चैनल पे गाइज मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दे चुका, तो गाइज अगर टेलीग्राम पे हो गए तो आपको ऑलरेडी अपडेट मिल चुका होगा। ट्विटर पे भी गाइज मैंने यहाँ पे अपडेट दिया, तो इसलिए बोलता हूँ फॉलो करके रखो। इस लेवल पे गाइज मैंने आपको अपडेट दिया, अभी भी गाइज अगर यहाँ पे देखो तो अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा प्राइस में। वीडियो तक गाइज वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।